सो हेलो गाइज वेलकम बैक टू माई वीडियोज़ आज का हमारा टॉपिक है सिमाफर्स पहले हम पढ़ेंगे कि सिमाफर्स हम क्यों यूज़ करते हैं ठीक है ना और हमें इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी ठीक है अब देखो आगे टू ओवरकम द डिफ़िकल्टी ऑफ हार्डवेयर बेस्ड दल्यूशन ठीक है वी कैन यूज अ सिंक्रोनाइजेशन टूल कॉल्ड अ सिमाफोर ठीक है हमने पिछले टॉपिक्स में यूज़ किया था टेस्ट केस स्वैप केसेज ये सब इंस्ट्रक्शंस यूज़ किए थे ये जो इंस्ट्रक्शंस है ये बहुत डिफ़िकल्ट है ठीक है कॉम्पिट इनको सॉल्व करने में बहुत ही डिफ़िकल्टी आ रही थी ये हार्डवेयर सोल्यूशन सॉल्व करने की डिफ़िकल्टी आ रही इसलिए हमने एक नया टूल निकाला है सिंक्रोनाइजेशन टूल निकाला एक नया दैट इज़ कॉल्ड कॉल्डो सिमाफर्स जिसको यूज़ करके हम आसानी से क्या कर सकते हैं सारी क्रिटिकल सोल्यूशन की प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं ठीक है थीके? अब हम पढ़ेंगे सिमाफर्स होता क्या है ठीक है सीमाफर्स इज़ अ वेरिएबल दैट कंट्रोल्स असेस शेयर शेयर्ड लाइक फाइल्स मेमरी और नेटवर्क कनेक्शन सीमाफर एक वेरिएबल है ठीक है जो क्या करता है कंट्रोल करता है असेस ठीक है किसी भी प्रोसेस का एक असेस कंट्रोल करता है वो 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 जो असेस होते हैं वो कौन से होते हैं डेट इज़ शेयर्ड फाइल्स होती हैं लाइक फा शेयर रिसोर्सेज होते हैं जैसे कि फाइल्स मेमरी और नेटवर्क कनेक्शन इन सब को इन सब के असेस को जो सीमा फर है वो कंट्रोल करता है ठीक है कौन से कौन से वो चीज़ों को कंट्रोल करता है जो सीमाफर है वो शेयर्ड रिसोर्स की शेयर्ड रिस को कंट्रोल करता है शेयर्ड रिसोर्स के असेस को कंट्रोल करता है जैसे कि शेयर्ड रिसोर्सेज में आते हैं जैसे कि फाइल्स ठीक है मेमरी एंड नेटवर्क कनेक्शन और भी बहुत कुछ जो चीज़ें आती हैं जिनको सिमाफर्स कंट्रोल करते जिनके सेस को सिमाफर कंट्रोल कर रहे हैं ठीक है सिमाफर्स आर यूज टू मैनेज हाउ मैनी प्रोसेस कैन यूज़ अ सिंगल शेयर रिसोर्स सिमाफर्स को यूज़ करके हम देखते हैं कि कितने प्रोसेस हैं जो वो यूज़ कर रहे हैं एक सिंगल शेयर रिसोर्स यूज कर रहे हैं मतलब कि कितने नंबर ऑफ प्रोसेस एक सिंगल शेयर रिसोर्स यूज़ कर रहे हैं ठीक है थीके? और क्या करता है ये ट्रैक करता है काउंट का सीमाफर्ज कैन कीप ट्रैक ऑफ अकाउंट दैट शोज हाउ मैनीबल ये ये भी ट्रैक सीमाफर्ज ये भी ट्रैक करता है कि कितने सारे प्रोसेस कितने नंबर ऑफ कितने नंबर ऑफ रिसोर्स एक अवेलेबल हैं ठीक है काउंट में कितने नंबर ऑफ रिसोर्स अवेलेबल हैं जिनको ये असेस कर पाएगा ठीक है कि कितने नंबर ऑफ रिसोर्स अवेलेबल हैं जिनको ये असेस कर पाएगा आ, ये एक ऐसा सोल्यूशन है सीमाफर्श क्रिटिकल एक्सक्शन प्रॉब्लम का जिसको हम आसानी से यूज़ कर सकते हैं ठीक है इसको हम जो सीमाफर्ज है इसको हम दो ऑपरेशन से यूज़ करते हैं फर्स्ट विल बी वेट जिसको हम बोलते हैं वेट ऑपरेशन एंड सेकेंड विल बी सिग्नल ऑपरेशन ठीक है सीमाफर्श को असेस करने के लिए हमारे पास सिर्फ दो ऑपरेशन हैं फर्स्ट विल बी वेट ऑपरेशन एंड सेकेंड विल बी सिग्नल ऑपरेशन वेट ऑपरेशन को हम डाउन ऑपरेशन भी बोल देते हैं और पी ऑपरेशन भी बोल देते हैं और सिग्नल को हम बोलते हैं अप ऑपरेशन और वी ऑपरेशन ठीक है अब वेट ऑपरेशन होता क्या है वेट ऑपरेशन का हेल्प करता है हमारी प्रोसेस एक क्रिटिकल सेक्शन है मान लो क्रिटिकल सेक्शन है उसमें मतलब कि ये कंट्रोल करता है कि, कि, कि कितने नंबर ऑफ प्रोसेसेस की एंट्री हो रही है ठीक है क्या देखते हैं हम इसमें कि, कि कितने नंबर ऑफ प्रोसेस की क्रिटिकल सेक्शन में एंट्री हो रही है ठीक है द ऑपरेशन डिक्रीमेंट्स द वैल्यू ऑफ आर्ग्यूमेंट्स वेट ऑपरेशन में क्या होता है जो आर्ग्यूमेंट्स की वैल्यू की, है वो डिक्रीज करते हैं मतलब कि डिक्रीमेंट करते हैं एज वो एज अ प्रोसेस एंटर दी क्रिटिकल सेक्शन जब तक प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन में एंटर नहीं कर जाता तब तक जो वैल्यू है आर्ग्यूमेंट की वो डिक्रीज होती रहती है इसमें इन वेट ऑपरेशन द वैल्यू ऑफ आर्ग्यूमेंट्स इन डिक्रीमेंट डिक्रीमेंट्स एज सून एज अ प्रोसेस एंटर्स एंटर क्रिटिकल जब तक क्रिटिकल सेक्शन में प्रोसेस एंटर नहीं कर जाता तब तक आर्ग्यूमेंट्स की वैल्यू डिक्रीज करती रहती है जैसे कि हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ठीक है अगर हम इसको कोडिंग में लिखें तो वेट एस मीन एस मीन्स एस मीन्स सिग्नल नहीं एस मीन्स सीमाफर वेट इन फर वाइल एस इज लेस देन इक्वल्स टू जीरो ठीक है मतलब कि नो ऑपरेशन ठीक है सो so, इसमें क्या हो रही है अब फर डिक्रीज हो रहा है जब तक प्रोसेस कैंटर नहीं हुआ क्रिटिकल सेक्शन में जो वैल्यू ऑफ इंक्रीमेंट वैल्यू ऑफ आर्गुमेंट्स की वैल्यू थी वो क्या होती रही डिक्रीज होती रही अब सिग्नल ऑपरेशन क्या होता है सिग्नल ऑपरेशन हमारे को हेल्प करता है हेल्प्स कंट्रोल दी प्रोसेस एग्जिट फ्रॉम आफ्टर एग्जीक्यूशन फ्रॉम क्रिटिकल क्रिटिकल सेक्शन वेट में क्या था हमारे पास कि कितने नंबर ऑफ़ प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन में एंटर कर रहे हैं ये था और सिग्नल क्या बता सिग्नल हमें हेल्प करता है कि कितने नंबर ऑफ़ प्रोसेस एग्जीक्यूशन के बाद क्रिटिकल सेक्शन से एग्जिट ले रहे हैं ठीक है कि कितने नंबर ऑफ प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन में से एग्जिट ले रहे हैं ठीक है और ये और ये क्या करता है जब एग्जीक्यूशन ख़त्म हो जाती है तब ये जो वैल्यू है आर्ग्यूमेंट की उसको इंक्रीज कर देता है क्या करता है जब एग्जीक्यूशन ख़त्म हो जाती है ठीक है तब जो ये आर्ग्यूमेंट की वैल्यू है उसको इंक्रीमेंट करता है सिग्नल में इंक्रीमेंट होता है और वेटिंग में डिक्रीमेंट होता है अब हमारे पास एक सिग्नल का भी सिग्नल में हम ऐसे लिखते हैं ठीक है सिग्नल ऑफ़ सीमाफर दैट मीन्स सिग्न इंक्रीमेंट इंक्रीमेंट ऑफ इंक्रीमेंट ऑफ प्रोसेस इंक्रीमेंट ऑफ वैल्यू इन ऑफ इट्स आर्ग्यूमेंट आर्ग्यूमेंट की वैल्यू की इंक्रीमेंटेशन हो रही है जब एग्जीक्यूशन ख़त्म हो चुकी है ठीक है जब क्या हो यह? जब एग्जीक्यूशन ख़त्म हो चुकी है ठीक है अगर हमें अगर हमें सी लैंग्वेज में लिखना हो वेटिंग का अगर हमें सी लैंग्वेज में वेटिंग का सी, सी वेटिंग सीमाफर लिखना हो तो अब कैसे लिखेंगे ऐसे लिखते हैं देखो फर्स्ट फॉर वेट सीमाफर पहले तो हम लिखेंगे वेट सीमाफर के लिए वेट सीमाफर के लिए, सीमाफर के लिए आएगा ऐसे वेट सीमाफर ये अगर हमें अगर कोड लिखना हो अगर हमें सी लैंग्वेज में तब हम ऐसे लिखेंगे वेट फर इंटू एस एस अप्रोचेज टू वैल्यू डिक्रीमेंट डिक्रीमेंट हो रही है ना वैल्यू ठीक है एफ क्रिटिकल सेक्शन वैल्यू इज जीरो एड दिस प्रोसेस ऐड करो इस प्रोसेस को एज लिस्ट में ठीक है ब्लॉक फिर ब्लॉक कर दो अब सेकंड आता है हमारे पास अब फॉर सिग्नल सीमाफर अगर हमें सी लैंग्वेज के language की code को सेंगे लैंग्वेज के कोड को सिग्नल सीमाफर में लिखना हो सिग्नल सीमाफर को अगर हमें सी लैंग्वेज के कोड में लिखना हो तब कैसे आएगा ठीक है तब ऐसे आता है सिग्नल सिमाफर में क्या होता है सॉरी uh, वेट सिमाफर में हम कोडिंग लैंग्वेज सि वेट सिमाफर में ऐसे लिखते हैं हम एंड फॉर सिग्नल सिमाफर सिग्नल सिग्नल सिमाफर में ऐसे लिखते हैं सिग्नल इन टू एस एस अप्रोचेज टू वैल्यू इंक्रीमेंट मीन्स इसमें वैल्यू क्या हो रही है इंक्रीज हो रही है ठीक है ना क्यों रही वैल्यू यहाँ पे ऐसे भी आएगा वैल्यू इफ क्रिटिकल सेक्शन वैल्यू लेस देन इक्वल्स टू देन रिमूव अ प्रोसेस अगर क्रिटिकल सेक्शन की वैल्यू लेस देन इक्वल टू जीरो जीरो आ जाए तो प्रोसेस को रिमूव कर दो लिस्ट में से इसमें से लिस्ट में से फ्रॉम एस लिस्ट ठीक है मीन्स वेकअप वेकअप ठीक है ये हो गया सी लैंग्वेज के कोड को हमने इन सी लैंग्वेज सीमाफोर सीमाफर कोड सीमाफोर ऑपरेशंस कोड रिटर्न will एज be, will be ठीक है उसको हम ऐसे लिखेंगे सीमा फर के ऑपरेशन के हम ऐसे लिखेंगे सबसे ऊपर वाले की तरह ठीक है अब ये था हमारा सीमा फर क्या होता है और सीमा फर के ऑपरेशन क्या क्या है ठीक है